वीडियो में भर भर के गाली का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको घर वालों से चप्पल जूते खाने पड़े, इससे पहले सावधानी बरत लो, अपने कान में हेडफोन ठूस लो, लीड लगा लो और पूरी तरह तैयार हो जाओ वीडियो के लिए। एसीपी सर, ये क्या हो रहा है आजकल? जिस सोशल मीडिया पे देखो एक ही चीज छाई हुई है, जहाँ देखो मैं गरीब हूँ। क्या मैटर है इसका? ये एक लड़का है वीडियो बना रहा है। जब भी मैं अपना सोशल मीडिया ओपन करता हूँ हर जगह वीडियो छाई रहती है। ऑफिसर्स, अभी तक हमारा पुराना केस भी सॉल्व नहीं हुआ है और तुम कहाँ इस नई बकचोदी में लगे हुए हैं? यह काम छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। अबे भोसड़ी के फोन उठा ले। जी सर। हेलो, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या जोमेटो से? अरे भोसड़ी क्या, हमने कोई ऑर्डर नहीं करा। अरे तेरी बहन की चूत मैंने कर रखा है यहाँ पे। सॉरी सर। ओके हाँ, सीआईडी ऑफिस की डिलीवरी है। अरे भोसड़ी क्या, सीआईडी ऑफिस की डिलीवरी लिया। हाँ सही एड्रेस है, सही है। लिया। भोसड़ी क्या बोल रहा, तो हमारे सर ने ऑर्डर करी है, ले आ जाओ ऑफिस पे। मेरे को बचा लो सर, प्लीज सर, मेरे को बचा लो, लोग मुझे मार देंगे सर। कौन मार लेगा तुम्हारी? नाम बताओ। मुझे मार देंगे। लोकेशन बताओ अपनी। प्लीज भी बचाओ। क्या खोल रहा तुम्हारी वो? हेलो। भोसड़ी के एसीपी हमेशा मुट्ठी मारेगा, जुगाड़ का इंतजाम हो गया, जल्दी चल। फ्रेडी भोसड़ी के मुठल, सुन तो रहा हूँ। ये नंबर से कॉल आया भाई, इसको ट्रैक कराओ जल्दी। ओके सर। अभिजीत, दया, सुबह जो वीडियो के बारे में तुम बात कर रहे थे, उसका कनेक्शन कहीं इस फोन कॉल से तो नहीं है? सर हो सकता है। सर लोकेशन मिल गई है। कहाँ की मिली लोकेशन? सर मधुबन चौक की। अभिजीत, दया, फ्रेडी, तुम तीनों जल्दी निकलो, लोकेशन पे पहुँचो। ओके सर। दया, फ्रेडी कहाँ है? सर वो बंदी से मिलने गया है। क्या, ये टाइम उसे बंदी से मिलने का दिखाई दे रहा है? तुम फटाफट लोकेशन पे लो। ओके सर। दया लोकेशन देखते रहो, कहाँ हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। कौन सा कर दिया मैंने? सीआईडी वाली ये लो आ गए। जब इस लाश को जलाया जा रहा था तुम लोग यहीं थे? आपने तो नहीं सर, मैं तो आपने अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, जल रही थी लाश। क्या आपने कुछ देखा? कुछ नहीं, बस एक गाड़ी जा रही थी नीले रंग की। ओके। दया तुम यहाँ पे देखो, चेक करो कुछ सबूत मिलता है क्या। ओदल्ले, अभिजीत इधर आ। क्या हुआ, क्या मिला? सर मेरे को यहाँ पर एक फोन मिला है और एक गाड़ी मिली। क्या, आईडी मिली है? यस सर। और ये फोन? यस सर। लाश जल गई पर ये फोन और आईडी सही सलामत है। फटाफट इसे ब्यूरो लेके चलो, आ जाओ। चलो जी सर, रेडी करो ब्यूरो जल्दी। दया। यस सर। पूरी लाश जल गई और ये आईडी प्रूफ और फोन बिल्कुल सही सलामत मिलना, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? सर कुछ तो है जो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो दिक्कत है। अब इस सब का पता तो लैब में ही चलेगा। बिल्कुल सर। क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला अभिजीत? हम वहां पहुंचे तो लाश पूरी जल चुकी थी और हमें लाश के पास से एक सेल फोन और एक आईडी प्रूफ बरामद हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना सर, जब हम वहाँ पहुंचे बॉडी पूरी जल चुकी थी, वहाँ एक फोन मिला और एक आईडी कार्ड मिला था। पूरी बॉडी जल चुकी है और उसका फोन और आईडी से ही सलामत है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है दया। कुछ तो गड़बड़ है। आईडी से उसका एड्रेस ट्रैक करो और जल्दी से जल्दी उसके एड्रेस पे पहुंचो तुम।
गया पक्का यही एड्रेस है ना? हाँ तक यही एड्रेस है। कोई है अंदर? कोई है? गया लगता है घर में कोई। दरवाजा तोड़ दो। मौसम ठीक है? मैं खुद भी टूटा हुआ हूँ, ठीक है ना? मैं तोड़ पाऊंगा। अरे यार अच्छा दया, मेरे पास दूसरा तरीका भी है दरवाजा खुलवाने का। अंडी मंडी संडी, जो दरवाजा ना खोले। कौन हो तुम लोग, क्यों घुस रहे हो मेरे घर में? हम सीआईडी ऑफिसर हैं। सीआईडी? मेरे घर पे क्यों आए हो? इसको जानता तू? हाँ ये तो मेरा भाई है, क्या हुआ इसे? अच्छा तो ये तेरा भाई है, इसका मर्डर हो गया है, खून करा इसका किसी ने, समझ रहा? खून। अब जो पूछेंगे तेरे से सच सच उसका जवाब दियो, ठीक है? सर अच्छा ही हुआ मर गया। दया, किसी का भाई मरा है, और किसी का भाई कैसे इतना खुश हो सकता है अपने भाई के मौत पे? सही में सर, तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई मरने की? सर उसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही थी, हमारा जीना हराम हो गया था। हम जिधर जाते थे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ये गरीब का भाई जा रहा है, गरीब का भाई जा रहा है, हमारा जीना हराम हो गया था। सर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, उससे हमें छुटकारा मिल गया। दया यस सर, क्या एक वीडियो किसी की जान ले सकता है? क्या एक वीडियो उसके परिवार वालों को मोहल्ले में समाज में बदनाम कर सकता है? दया ये कोई आम वीडियो नहीं है, कुछ तो बड़ा है, कुछ तो अजीब है। दया हमें लाश के पास से भी आईडी और फोन का सही सलामत मिलना और लाश का पूरी तरह जल जाना, कुछ तो बड़ी बात है दया, प्लीज जी दया। अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है? अगर हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी हम तुमको बुला लेंगे। ओके सर। सर हम जब उस घर में गए तो घर में सिर्फ उसका भाई था, हमने उससे बात की, ऐसे लग रहा है कि उसे भाई को उसे मरने कोई गम ही नहीं है। कुछ तो अजीब है सर, पहले उसकी लाश पे से हमें फोन और आईडी का सही सलामत मिलना, फिर मीमर्स के द्वारा उसकी वीडियो का मजाक उड़ाना, और तो और उसका अचानक से मेरे पास फोन आना घबराई हुई आवाज में, और उसके भाई से भी बात करने पे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा उसके भाई को मरने का कोई दुख हो, कुछ तो अजीब है। अभिजीत जितना तुम्हें आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, अब अभिजीत वही सी चीज़ का हमें जो है पता लगाना है। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक ही वीडियो सबका कनेक्शन है। सर इनको पकड़ने का अब एक ही तरीका है, इनको इन्हीं के जाल में फंसाना पड़ेगा तभी हम इन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे अभिजीत? कुछ देर में खूनी का पता चल जाएगा। हेलो यस विनोद बोलो। सर मेरे को अननोन नंबर से बोला था, ऐसे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि वही बंदा था। एक मिनट विनोद। सर खूनी का विनोद के पास फोन आया है। हाँ विनोद जॉब के बारे में मुझे बुला रहा है, क्या करूँ जाऊँ? काम देने का? हाँ वो तुम्हें जहाँ बुला रहा है वहाँ तुम पहुँचो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीआईडी तुम्हारे साथ है, हमेशा साथ है, तुम पहुँचो और मुझे लोकेशन सेंड कर दो, हम वहाँ पहुँच जाएंगे और तुम्हारा फ़ोन हमने ट्रैक कर रखा है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहुँचो हम तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ पहुँच रहे हैं। ओके फास्ट सर, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। दया वो तो है भूसड़ी के, कहाँ छुपा है तू? बचाना है उसे, ठीक है ना? सेम टू यू भूसड़ी के, एक बात बता मैं किसी को दिख तो नहीं रहा? ओह शिट ओह शिट ए लाउडी का तो लान ढंग से तो कौन मार रहा है भूसड़ी का?
छोड़ भोसड़ी के, छोड़ उसको, छोड़ उसको भोसड़ी के गन फेंक दे, भोसड़ी के छोड़ छोड़ आगे से गन बहुत कर लिया तुमने, ये नहीं खेल, गन छोड़ गन छोड़ गन गन दे गन छोड़ नीचे से सर बता रहा हूँ बता रहा हूँ सर, हम जिन लोगों को मारा ना वो वीडियो वाले नहीं थे, वो मीमर्स थे सर, इसलिए मैंने मारा। तो उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी और लास्ट के पास तुमने फोन और आईडी क्यों छोड़ा था? ये सब हमने सीआईडी को गुमराह करने के लिए किया था, जाने इसका सग मीमर्स पे जाए। अच्छा भोसड़ी के, लेकिन भोसड़ी के तूने किया क्यों? सर मैंने ना एक वीडियो बनाई थी 6 महीने पहले, जिसमें मैं काफ़ी खुश था और वीडियो बहुत वायरल हो रही थी और मैं बहुत खुश था सर, मेरी वीडियो सब बहुत। कुछ टाइम बाद सर मेरी वीडियो का मीमर्स ने मजाक बनाने लगे, इसलिए हमने ऐसा किया। मैं जहाँ भी जाता था सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे घर वाले को भी परेशान करते थे, जहाँ तक मेरी दोस्तों को भी सब लोग परेशान करते थे, मेरा मजाक एकदम बनाने लगे सबकी, मेरी तो छोड़ो सबका मजाक उड़ाने लगे, मेरे परिवार घर जहाँ भी जाते थे सबका मजाक उड़ा। घर वालों ने मुझे बाहर ही निकाल दिया, मैंने इसलिए सोच लिया था कि मैं उनको बदला ही ले करूँगा, चाहे जैसे उनसे बदला ले। सोच लिया जो भी मेरी वीडियो का मजाक उड़ाएगा मैं उसे जान से मार दूंगा, तो मैं त्रिकोण फाड़ दूंगा। बहुत खेल लिया खेल, अब तुम्हें सिर्फ फांसी होगी फांसी।